हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 26 सितंबर 2024 और 26 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत किस नौसेना बेड़े में शामिल हुआ है। इंडिगेनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ज्वाइंस नेवल फ्लीट। फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टर्न, सेकेंड ऑप्शन है साउथर्न, थर्ड ऑप्शन है ईस्टर्न या फोर्थ ऑप्शन है वेस्ट साउथर्न। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत किस नौसेना बेड़े में शामिल हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। देश का स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पश्चिमी नौसेना बेड़े में शामिल हो गया, जिससे अरब सागर में समुद्री शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के पश्चिमी मोर्चे पर दो विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हो गए हैं। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना के आंतरिक युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड, सितंबर 2024 में कौन सा भारतीय तेज गेंदबाज बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के दौरान 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाला 100वां भारतीय बन गया, जिसने 196 मैचों में कुल 401 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। इन सितंबर 2024 विच इंडियन पेस बॉलर बिकम दी 10th इंडियन टू अचीव 400 इंटरनेशनल विकेट्स ड्यूरिंग इंडियाज फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश, मार्किंग दिस माइलस्टोन विद अ टोटल ऑफ 401 विकेट्स अक्रॉस 196 मैचेस। फर्स्ट ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, सेकेंड ऑप्शन है मोहम्मद शमी, थर्ड ऑप्शन है कुलदीप यादव या फोर्थ ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी जसप्रीत बुमराह। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 विकेट पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले अपने टीम के 100वें तेज गेंदबाज बन गए। बुमराह ने यह उपलब्धि चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट मैच के दौरान हासिल की। 196 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बुमराह ने 21.01 की औसत से 401 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा 6/19 है। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले केवल 6ठे भारतीय तेज गेंदबाज हैं। 37 टेस्ट मैचों में बुमराह ने 20.49 की औसत से 163 विकेट लिए हैं, जिसमें 6/27 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उन्होंने लंबे प्रारूप में 10 बार 5 विकेट लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह, सेकंड ऑप्शन है शीतल शर्मा, थर्ड ऑप्शन है मोहन गिरी, फोर्थ ऑप्शन है कलिकेश नारायण सिंह दियो। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कलिकेश नारायण सिंह डीओ को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कलिकेश नारायण सिंह देव को कड़े मुकाबले वाले चुनाव में वीके ठल पर 36-21 से जीत हासिल कर भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। उनकी जीत भारतीय निशानेबाजी में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इनसे रणिंदर सिंह का 12 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जो राष्ट्रीय खेल संहिता प्रतिबंधों में के कारण समाप्त हो गया था। कलिकेश 2025 में अगली NRAI आम बैठक तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chief of the Indian Air Force IAF? First option है अमृत मोहन प्रसाद, second option है अमृतप्रीत सिंह, third option है तेजेंद्र सिंह, fourth option है राकेश पाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमरप्रीत सिंह जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को अगला वायु सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में भारतीय वायु सेना के उप प्रमुख हैं और 30 सितंबर को मौजूदा एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद शीर्ष पद संभालेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र एयर मार्शल सिंह को 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायु सेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। वह एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक और प्रायोगिक परीक्षण पायलट हैं, जिनके पास विभिन्न प्रकार के स्थिर और रोटरी विंग विमानों पर 5000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एथलीट तेलंगाना पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में शामिल हुआ है? इन सितंबर 2024, हु एमोंग दी फॉलोइंग इंडियन एथलीट्स ज्वाइन दी तेलंगाना पुलिस एज द डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल पुलिस। फर्स्ट ऑप्शन है निखत जरीन, सेकेंड ऑप्शन है दीपिका कुमारी, थर्ड ऑप्शन है मनु भाकर, फोर्थ ऑप्शन है मानिका बत्रा। बताइएगा फ्रेंड, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एथलीट तेलंगाना पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में शामिल हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, निखत जरीन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध मुक्केबाज निखत जरीन तेलंगाना पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर शामिल हुई। दो बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन ने पुलिस महानिदेशक जितेंद्र को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सौंपी। निजामाबाद जिले की मूल निवासी निखत जरीन का मुक्केबाजी में शानदार करियर रहा है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक और एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने हाल ही में पेरिस में संपन्न ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 68वें आम सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन सितंबर 2024 हु अमोंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फर्स्ट ऑप्शन है सांग वुक हेम, सेकेंड ऑप्शन है सियो योन, थर्ड ऑप्शन है हुआयंग, फोर्थ ऑप्शन है बेक योन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए सांग वुक हेम। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कोरिया गणराज्य के स्थायी प्रतिनिधि को IAEA के 68वें महाविदेशन का अध्यक्ष चुना गया है। ROK विदेश मंत्रालय के साथ व्यापक सेवा के बाद सांग वुक हेम को 2022 में वियना में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कोरिया गणराज्य का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। महासम्मेलन प्रत्येक वार्षिक सत्र के आरंभ में सम्मेलन से पहले सदस्य राज्यों के बीच परामर्श के बाद एक अध्यक्ष का चुनाव करता है। वे सम्मेलन की अवधि तक अपने पद पर बने रहती हैं। पिछले साल यह पद थाईलैंड के विलावान मांग कलातानुकूल के पास था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का विजेता घोषित किया गया, जो भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय योग प्रतियोगिता है। वह किस देश से हैं? इन सितंबर 2024 ध्रुवी पटेल वॉज डिक्लेयर्ड दी विनर ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन पेगेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। सी इज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी USA से है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमेरिका की कंप्यूटर सूचना प्रणाली की छात्रा ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का विजेता घोषित किया गया है, जो भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। ध्रुवी बॉलीवुड अभिनेत्री और यूनिसेफ एम्बेसडर बनने की इच्छा रखती हैं। इसी दौड़ में सूरी नाम की लिसा अब्दोल एल हाक को प्रथम उप विजेता घोषित किया गया, जबकि नीदरलैंड की मालविका शर्मा को द्वितीय उप विजेता घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा शहर 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों के 25वें संस्करण की मेजबानी करेगा? विच सिटी विल होस्ट दी 25th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स फ्रॉम मार्च 7 टू मार्च 9 2025? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है जयपुर, फोर्थ ऑप्शन है नोएडा। बताइएगा दोस्तों कौन सा शहर 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों के 25वें संस्करण की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी जयपुर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
25वीं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। यह घोषणा पुरस्कारों के 2024 संस्करण के आयोजन से पहले की गई है, जो 27 सितंबर से लगातार तीसरे वर्ष अबू धाबी के यास द्वीप में शुरू होने वाला है। अगले वर्ष राज्य की राजधानी में आयोजित होने वाले आईफा अवार्ड्स के रजत जयंती समारोह के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग और आईफा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईफा 2025 राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह दूसरी बार है जब यह आयोजन भारत में हो रहा है। इस तरह का पहला आयोजन 2019 में मुंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फ्रेंड्स भारत ने महिला वर्ग में किस देश को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 जीता है? इंडिया हैज वॉन द चेस ओलंपियाड 2024 बाई डिफीटिंग विच कंट्री इन द वोमेंस कैटेगरी? फर्स्ट ऑप्शन है स्लोवेनिया, सेकेंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है अजरबैजान, फोर्थ ऑप्शन है चाइना। बताइएगा फ्रेंड्स, भारत ने महिला वर्ग में किस देश को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में 2024 में होने वाले शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक दोहरे स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुष और महिला दोनों टीमें शीर्ष पर रहीं। ओपन वर्ग में भारत की पहली खिताबी जीत प्रतियोगिता के अंतिम दौरे में स्लोवेनिया के जान सुबेलज पर अर्जुन एरिगेसी की जीत के बाद सुनिश्चित हुई। वहीं दूसरे स्थान पर मौजूद चीन ने अपने मुकाबले में USA के खिलाफ महत्वपूर्ण अंक गवाए और भारत ने आधिकारिक तौर पर खिताब अपने नाम कर लिया। ओपन कैटेगरी के लिए भारतीय टीम में गुकेश डी, प्रज्ञानंद आर, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा और श्रीनाथ नारायण शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, फ्रेंड्स एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य के 12 शहरों में पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज अप्रूव्ड रेड 530 करोड़ टू बूस्ट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन 12 सिटीज ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, सेकेंड ऑप्शन है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है असम या फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के 12 शहरों में पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक त्रिपुरा सरकार को राज्य के 12 शहरों में पेयजल आपूर्ति को उन्नत करने के लिए 530 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे लगभग 4 लाख लोग लाभान्वित होंगे। 12 शहर जहां ADB द्वारा वित्त पोषित महत्वाकांक्षी योजना लागू की जाएगी, उनमें उदयपुर, अमरपुर, बेलोनिया, मेघाघर, विश्रामगंज, खोवाई, रानीर बाजार, मोहनपुर, धर्मनगर, कैलाश शहर, कुमारघाट और अम्बासा शामिल हैं। 12 शहरों में से 7 जिला मुख्यालय हैं, उदयपुर, बेलोनिया, विश्रामगंज, खोवाई, धर्मनगर, कैलाश शहर और अम्बासा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।